लखीमपुर सदर विधायक पर गोली चलाने वाला आरोपी पिंकी सक्सेना गिरफ्तार कर लिया गया। विधायक पर हुए गोलीकांड के बाद आईजी रेंज लखनऊ एसके भगत लखीमपुर में सदर विधायक योगेश वर्मा को देखने पहुंचे थे। आईजी लखनऊ एसके भगत ने विधायक प्रकरण में लखीमपुर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की पूरी समीक्षा की थी और मीडिया से रूबरू होते हुए बोले थे कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, जिसके बाद खीरी पुलिस हरकत में आ गई और ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो गई, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी और गुरुवार दोपहर भाजपा के विधायक योगेश वर्मा को गोली मारने वाले को पलिया से पकड़ लिया गया। सदर विधायक को गोली मारकर हमलावर फरार हो गए थे। हालांकि गोली पैर में लगी थी, जिनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल लखनऊ रेंज के आईजी एसके भगत लखीमपुर आए थे और कहा था कि जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी के चलते पुलिस ने आरोपी को ताबड़तोड़ छापेमारी करके आज भागे हुए आरोपी पिंकी सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रेम वर्मा और नसीम की तलाश जारी है।